सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूं अपने लिए एक ऐसा आयन फार्म जो कि हमें प्रोड्यूस करके देने वाला है 1 लाख से भी ज्यादा आयन इनगट्स पर आर। सो गाइस तुम्हारे माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने सारे आयन इनगट्स का मैं क्या करने वाला हूं। सो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देने वाला हूँ अपने लेटेस्ट सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट जिन्होंने पिछली वीडियो में कमेंट करा था। सो उनका नाम मैंने यहाँ पर पहले से उनके नाम की फिश को बनाकर रख रखा है। सो एक का नाम है जेनिल और दूसरे का नाम है मीनाक्षी। तो चलो फटाफट से चलते हैं अपने छोटे से एक्वेरियम में और इन दोनों को शाउट आउट देते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं अपने एक्वेरियम में भी आ चुका हूँ। अब यहाँ पर फटाफट से मैं अपने सब्सक्राइबर्स के नाम की फिश को डाल देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने जेनिल के नाम की फिश को डाल दिया है। अब फटाफट से मीनाक्षी के नाम की फिश को डाल देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने मीनाक्षी के नाम की फिश को भी डाल दिया है। सो गाइस अगर तुम लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो और तुम लोग भी चाहते हो कि तुम्हारा नाम भी मेरे इस वर्ल्ड में हो तो से अपना नाम को कमेंट सेक्शन में लिख दो और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस अगली वीडियो में मैं तुम लोगों को भी शाउट आउट दे दूंगा। सो गाइस अब बिना किसी देरी के फटाफट से चलते हैं सारा का सारा आइटम कलेक्ट करने जो कि हमें लगने वाला है इस आयरन फार्म को बनाने के लिए। वैसे तो जितना भी आइटम मुझे आयरन फार्म बनाने के लिए लगने वाला है वो मुझे इजीली अवेलेबल हो सकता है। सो गाइस पहला आइटम जो मुझे लगने वाला है इस आयरन फार्म को बनाने के लिए वो है ऑब्सीडियन और मुझे चाहिए होगा कुछ 800 ऑब्सीडियन। सो गाइस इतना सारा ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा एंड में। सो चलो फटाफट से मैं जाता हूं एंड में और वहां पे जाकर के सारा का सारा ऑब्सीडियन को कलेक्ट कर लेता हूं। तो गाइस मुझे जितने भी ऑब्सीडियन लगने वाले थे वो सारे के सारे मैंने कलेक्ट कर लिया और ये सारा ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए मैंने पूरा का पूरा एक पिलर गायब कर दिया गाइस। तो चलो मैंने अपना शल्कर बॉक्स भी कलेक्ट कर लिया है। तो फटाफट से चलते अपने ओवरवर्ल्ड में। सो गाइस अगले कुछ आइटम्स जो मुझे चाहिए वो मेरे पास पहले से ही पड़े हुए हैं क्योंकि गाइस पिछले एपिसोड में जो मैंने क्रीपर फार्म बनाया था उसको बनाते वक्त मेरे पास काफी सारे आइटम्स बच भी गए थे। सो मेरे पास रेड स्टोन रिपीटर पहले से पड़ा हुआ है, रेड स्टोन डस्ट पड़ा हुआ है, कॉम्परेटर, ऑब्जर्वर, ये सब मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है गाइस। तो ये सब आइटम मैंने अपने अंदर कासल में रख रखा है। सो फटाफट से पहले मैं अपने कासल में जाता हूँ और गाइस ये आइटम मैंने इस एरिया में रख रखा है। यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत चेस्ट लगा रखी है। सो या इस चेस्ट में मैंने थोड़ा बहुत आइटम रख रखा है। सो फटाफट से इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और हाँ गाइस इस फार्म को बनाने के मुझे काफी ज्यादा वूल भी लगने वाली है, मतलब मुझे गाइस 36 बैट्स बनाने इस फार्म को बनाने के लिए। सो वूल तो काफी ज्यादा लगने वाली है। सो वूल मैं कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ अपने विलेज में क्योंकि गाइस वहां पर मैंने शीप्स और काउस को रख रखा है। सो फटाफट से जाता हूँ वहां पर और गाइस यहाँ पर जितने भी शीप्स मेरे पास है वो उन सबको शेयर करने के बाद सारा का सारा आइटम क्राफ्ट करके तुम लोगों से मिलता हूँ। सो गाइस अब मैं फटाफट से इनको शेयर कर लेता हूँ। सो गाइज इस फार्म को बनाने के लिए मुझे जितना भी आइटम लगने वाला था वो ऑलमोस्ट सारा का सारा आइटम मैंने कलेक्ट कर लिया है। बस अभी एक आइटम बचता है वो है स्कैफोल्डिंग्स। तो चलो फटाफट से स्कैफोल्डिंग्स के लिए बैम्बू को कलेक्ट करने चलते हैं और फिर बनाता हूँ मैं स्कैफोल्डिंग्स। सो गाइज इस फार्म को बनाने के लिए मुझे जितना भी मटेरियल लगने वाला था वो सारा का सारा मटेरियल मैंने इन शल्कर बॉक्सेस में कलेक्ट कर लिया है और गाइज अब हम बिल्कुल रेडी अपने फार्म को बनाने के लिए। सो पहले तो फटाफट से मैं सारे के सारे शल्कर बॉक्सेस को कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद चलता हूँ मैं उस लोकेशन पे जहां पर मैं इस फार्म को बनाने वाला हूँ। सो गाइज मैं इस फार्म को इस लोकेशन पे बनाने वाला हूँ इस एरिया पर क्योंकि गाइज ये एरिया हमारे कासल के काफी ज्यादा करीब है और आयरन फार्म अपने कासल के सामने यार काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाला है और इजी टू एक्सेस भी हो जाएगा। जब भी मुझे आयरन की जरूरत हुआ करेगी कि तो मैं यहाँ पर आकर एएफके कर लिया करूंगा। सो चलो अब फटाफट से बिना किसी देरी के अपने आयरन फार्म को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज फाइनली मैंने अपने आयरन फार्म को बना दिया है बट गाइज अभी ये पूरी तरीके से रेडी नहीं है वर्क करने के लिए क्योंकि गाइज अभी यहाँ पर हमें विलेजर्स को भी लाना है और ज़ॉम्बीज़ को भी लाना है ताकि ये वर्क कर सके। और गाइज ये जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो हर लेयर पे मैंने यहाँ पर 12-12 बेड्स लगा रखे हैं क्योंकि गाइज मुझे हर लेयर पर यहाँ पर 12 विलेजर्स को लाना है। और गाइज अभी तक तो ये आयरन फार्म बनाना बहुत ज़्यादा आसान था बट अब मेन काम हमारा यहाँ से शुरू होता है क्योंकि गाइज विलेजर्स को लाने में यार बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और विलेजर्स के बाद मुझे यहाँ पर ज़ॉम्बी भी लाने हैं। तो पहले तो गाइज अब फटाफट से मैं मुझे विलेजर्स लाने होंगे यहाँ पर। तो चलो फटाफट से चलते अपने विलेज में विलेजर्स को लेकर के आते हैं। गाइस अब बहुत ज्यादा पेन होने वाला है यार इस आयरन फार्म को बनाने के लिए। तो चलो फटाफट से चलते हैं विलेज में और विलेजर्स को कैप्चर करते हैं। सो यहाँ पर मैं विलेज में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने बोट में एक विलेजर को कैप्चर कर लिया है। अब फटाफट से मुझे इसको अपने बेस पर लेकर जाना है। तो यार 2 मिनट दो मुझे, मैं फटाफट से लेकर के चलता हूँ इसको अपने बेस पर। सिर्फ 2 मिनट गाइस, छोटा सा तो काम है यार, 2 मिनट में मिलता हूँ यार मैं तुमसे। सो गाइस यहाँ पर मैं पहले विलेजर को ले आया हूँ और गाइस फाइनली 2 मिनट के काम को आधे घंटे में खत्म करने
करने के बाद मैं फाइनली इन दोनों विलेजर्स को लेकर आ चुका हूँ और फटाफट से इनको फ्री कर देता हूँ, तो इनकी बोर्ड तोड़ देता हूँ और फटाफट से मैं लेकर के चलता हूँ इनको अपने फार्म के पास। वहां पर मैं टेम्पररी इनका डर्ट का एक हाउस बना दूंगा जहां पर मुझे इन लोगों को ब्रीड कराना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से इस काम को भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने इनके लिए टेम्पररी डर्ट का हाउस भी बना दिया है और इन दोनों को इस डर्ट के हाउस के अंदर मैंने बंद भी कर दिया। तो अब फटाफट से बारी आती है इन लोगों को काफी ज्यादा ब्रेड देने की ताकि ये लोग ब्रीड कर सके और अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके। तो फटाफट से सारी की सारी ब्रेड जितनी भी मेरे पास है मैं फटाफट से इन लोगों को दे देता हूँ और देखते हैं गाइस कितनी देर में लोग अपनी ब्रीडिंग शुरू करते हैं। सो गाइस फाइनली काफी देर के बाद इन्होंने अपनी ब्रीडिंग करना शुरू कर दिया है और गाइस काफी टाइम लगा इन दोनों को ब्रीडिंग करना शुरू करने में। तो ये देखो गाइस ये फटाफट से इन्होंने अपना ब्रीडिंग करना शुरू कर दिया। ओ भाई इसने रोक दिया यार ब्रीडिंग करना, जैसे मतलब मैंने इसको देखना शुरू करा इसने ब्रीडिंग करना रोक दिया। अबे भाई यार इतनी देर में तो तुम लोगों ने ब्रीडिंग करना शुरू करा था और मेरे देखते यार इन लोगों ने बंद कर दिया है ब्रीडिंग करना। अबे ले लो भाई ब्रेड तो ले लो, भाई ब्रेड लेने में लगे पड़े हैं लेकिन ये ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं। सो गाइस अभी ये ब्रीड करने में काफी ज्यादा टाइम लेने वाले हैं। सो मैं क्या करता हूं ना, तुम लोग अभी मेरे डेज देखो, अभी मेरा डे 153 चल रहा है और मैं ब्रीड कराने के बाद मिलने वाला हूं तुम लोगों को, फिर देखते हैं मेरे कितने डेज होते हैं। सो फाइनली गाइस हमारे डे हो चुके हैं 163 और गाइस 10 दिन तक इन लोगों को ब्रीड कराने के बाद मेरे पास यहां पर काफी ज्यादा विलेजर्स इकट्ठे हो चुके हैं। इस फार्म को बनाने के लिए मुझे जितने विलेजर्स की रिक्वायरमेंट थी उससे तो कई ज्यादा विलेजर्स यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। सो गाइस अब हमारा मेन टास्क आता है इन विलेजर्स को अपने फार्म तक लेके जाना। तो उसके लिए गाइस मुझे काफी ज्यादा रेल्स की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि यार ये विलेजर्स को अपने फार्म तक लेके जाने में बहुत ज्यादा हेडेक होने वाला है। सो गाइस रेल बनाने के लिए फटाफट से मैं जाता हूं अपने कासल में और काफी ज्यादा रेल्स बना लेता हूं और तुम लोगों को पूरा रेल सेटअप करने के बाद मैं तुम्हें फटाफट से मिलता हूं। सो मुझे 2 मिनट दो, मैं फटाफट से आया। सो गाइस इन विलेजर्स को अपने फार्म तक लेकर जाने के लिए मैंने यहां पर काफी सारे रेल ट्रैक्स तो बिछा दिए। अब गाइस मेन टास्क जो हमारा यहां पर आता है वो है विलेजर्स को फटाफट से अपने माइन कार्ट में बैठाना। सो गाइस अब फटाफट से इन विलेजर्स को भी अपने फार्म पर पहुंचाने का काम भी फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं। अब देखो यार मैं इनको ऊपर पहुंचाते हुए तुम्हें नहीं दिखाने वाला हूं क्योंकि यार देखो अगर मैं इनको ऊपर पहुंचाते हुए तुम्हें दिखाने लगा तो तुम भी बोर हो जाओगे और यार मैं एडिटिंग करने में बोर ही हो रहा हूं। सो मैंने तुम्हें सारे के सारे विलेजर्स डालते हुए तो नहीं दिखाने वाला हूं, बट हां एक दो विलेजर्स डालते हुए मैं जरूर दिखा दूंगा। जैसे कि ये देखो गाइस मैं 2 विलेजर्स यहां पर पहले ही ला चुका हूं। सो यहां पर अब मुझे एक टेंपरेरी ब्लॉक प्लेस करना है, जैसे कि यहां पर मैं डर्ट लगा रहा हूं। सो मैं डर्ट लगा करके इसको ब्लॉक कर दूंगा और फिर मुझे बोट और माइनकार्ट को तोड़ना है। सो ये बहुत आसानी से अंदर चले जाएंगे। सो यार ये देखो एक सिंपल सी ट्रिक है इनको ऊपर लेकर आने की। और देखो गाइस यार 2 विलेजर्स को तो मैं यहां पर लेकर आ चुका हूं बट अभी इनके जैसे मुझे 36 विलेजर्स को लेकर के आना है। सो यार देखो मैं 36 विलेजर्स को लाते हुए तो तुम्हें नहीं दिखाने वाला हूं। सो मैं फटाफट से काम कंप्लीट करता हूं और फिर तुम लोगों से मिलता हूं सारे के सारे विलेजर्स को डालने के बाद। सो गाइस फाइनली काफी देर तक मेहनत करने के बाद मैंने फाइनली जितने भी विलेजर्स हमारे पास थे वो सारे के सारे मैंने इस फार्म में ट्रांसफर कर दिए। जैसे कि आप सभी लोग देख ही सकते हो, ये देखो सारे के सारे विलेजर्स कैसे आराम से सो रहे हैं यार, लेकिन हमें इन्होंने बहुत ज्यादा थकाया है। बट यार जितनी भी मेहनत हम इस फार्म को बनाने में कर रहे हैं सारी सारी गाइस वर्थ इट होने वाली है। सो गाइस अब जो नेक्स्ट काम मुझे करना है वो एक ज़ॉम्बी को पकड़ करके ऊपर अपने फार्म पे ट्रैप करना है ताकि वो हमारे विलेजर्स को डरा सके और उससे आयरन गोलम स्पॉन हो हमारे फार्म पर। सो गाइस मैंने यहाँ पर माइन गार्ड को भी रख दिया है, फटाफट से एक ज़ॉम्बी को बैठाते हैं और लेकर के चलते हैं उसको ऊपर अपने फार्म पर। तो गाइस एक ज़ॉम्बी यहाँ पर मैंने बैठा दिया है, तो फटाफट से ऊपर चल के देखता हूँ कि अपनी सही जगह पर जाकर के बैठा है या नहीं बैठा है। सो गाइस यहाँ पर ये ज़ॉम्बी एकदम अच्छे तरीके से आकर के बैठ गया है। सो फटाफट से इसको हम क्या करते हैं ना, यहाँ से एक ग्लास लगाता हूँ और इसको ट्रैप कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैंने एक ज़ॉम्बी को तो बैठा दिया बट इसके जैसे मुझे अभी 8 और ज़ॉम्बीज को बैठाना है। सो चलो गाइस इस काम को भी फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ। सो फाइनली गाइस मैंने सारे के सारे ज़ॉम्बीज को भी यहाँ पर ट्रैप कर लिया है। जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो हर लेयर पर मैंने 2-2 ज़ॉम्बीज को ट्रैप करके रख रखा है। बट गाइस अभी हम इस फार्म को एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि गाइस इस फार्म का अभी नेदर वाला साइड बनना बाकी रह गया है जहां पर आयरन गोलम जाकर के मरेंगे। सो फटाफट से गाइस अब मैं इस फार्म के पोर्टल के थ्रू जाता हूं और फटाफट से नेदर में जाकर हम वाला काम भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओ भाई ये देखो गाइस अभी मैंने इस फार्म को एक्टिवेट भी नहीं किया और देखो यार यहां पर कितने ज्यादा आयरन गोलम स्पॉन होना शुरू हो गए हैं। सो गाइस अभी मैं क्या करता हूं ना, मैं फटाफट से इस फार्म का नेदर वाला साइड भी बना लेता हूं और नेदर वाला साइड बनाने के बाद मैं फटाफट से तुमसे मिलता हूं। सो गाइस मुझे 2 मिनट दो, मैं फटाफट से बना करके आया नेदर वाला साइड। सो फाइनली गाइस मैंने यहां पर किलिंग चैम्बर को भी बना दिया है जहां पर आयरन गोलम आकर के मरेंगे और गाइस अब हमारा फार्म पूरी तरीके से रेडी है वर्क करने के लिए। तो चलो फटाफट से ओवरवर्ल्ड में चलते हैं। सो गाइस ये देखो ये हमारा पहला वाला नेदर पोर्टल जो कि हमारे किलिंग चैम्बर के काफी ज्यादा करीब है, तो फटाफट से चलो ओवरवर्ल्ड में चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं वापस आ चुका अपने बेस पर और गाइस बेस पर आने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूं ना, मैं जाऊंगा अपने फार्म पर एएफके और गाइस मैं एएफके कुछ ज्यादा देर तक नहीं करने वाला हूं। मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए एएफके करूंगा और 1-2 मिनट बाद मैं देखूंगा कि इस आयरन फार्म ने मुझे कितना आयरन प्रोड्यूस करके दिया है क्योंकि गाइस ये आयरन फार्म कुछ ज्यादा ही एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा आयरन इनका प्रोड्यूस करके देता है। सो मैं 1 या 2 मिनट के लिए एएफके जाऊंगा और देखता हूं कि इस फार्म ने मुझे कितना ज्यादा आयरन प्रोड्यूस करके दिया है। तो चलो फटाफट से चलते हैं एएफके। सो गाइस फाइनली मुझे यहां पर एएफके करते हुए 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट से चलते हैं नेदर में और जाकर के देखते हैं कि इस आयरन फार्म ने 2 मिनट के अंदर अंदर हमें कितने ज्यादा आयरन इनगट्स प्रोड्यूस करके दिए हैं। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूं अपने किलिंग चैम्बर पर और यहां पर इस फार्म ने जितना भी मुझे आयरन
प्रोड्यूस करके दिया है 2 मिनट में, वो सारा का सारा कलेक्ट करने के बाद मैं तुमसे मिलता हूँ ओवरवर्ल्ड में। सो गाइस फाइनली सारा का सारा आयन कलेक्ट करने के बाद मैं वापस आ चुका हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में। और गाइस अभी 1 मिनट रुको, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि 2 मिनट में इस फार्म ने हमें कितना ज्यादा आयरन प्रोड्यूस करके दिया है। लिटरली तुम लोग चौंक जाओगे कि 2 मिनट में गाइस इस फार्म ने इतना ज्यादा आयरन प्रोड्यूस करके दिया। तो चलो पहले फटाफट से इसको सर्कल बॉक्स में डाल लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर इस फार्म ने मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर प्रोड्यूस करके दिया है 857 आयरन इनगट्स। बट गाइस अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि गाइस ये देखो ये आयरन फार्म हमारे कासल के काफी ज्यादा करीब है और गाइस ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब एकदम गंदा सा लगता है। सो गाइस अभी मैं क्या करने वाला हूं ना, मैं इस आयरन फार्म को एक जाइंट आयरन गोलम के स्टैचू से कवर करने वाला हूं, ताकि यार हमारे कासल के पास जितनी भी चीजें हो वो बढ़िया लगे दिखने में, क्योंकि यार बेस के पास एकदम बढ़िया चीजें होने वाली है। सो गाइस जितना भी मटेरियल मुझे लगने वाला है इस जाइंट आयरन गोलम के स्टैचू को बनाने में, तो मैं वो फटाफट से कलेक्ट करना शुरू करता हूं। और तुम लोगों को मैं ज्यादा मटेरियल कलेक्ट करते हुए नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यार वीडियो वैसे ही बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो चलो फटाफट से चलते हैं सारा मटेरियल कलेक्ट करने। सो गाइस जितना भी मटेरियल मुझे लगने वाला था इस जाइंट आयरन गोलम के स्टैचू को बनाने के लिए, वो सारा का सारा मटेरियल मैंने कलेक्ट कर लिया है। सो चलो गाइस अब हम शुरू करते हैं अपने गोलम के स्टैचू को बनाना। सो गाइस फाइनली हमारा जाइंट आयरन गोलम का स्टैचू भी बनकर रेडी हो चुका है, और गाइस अब ये फार्म देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। सो चलो गाइस आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, और कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हाँ अपना नाम कमेंट में लिखना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो में आपका नाम भी मेरे इस वर्ल्ड में हो। सो चलो गाइस फिर मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।